हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम जा रहे हैं कुल्लू के दशहरा घूमने। वैसे दशहरा तो हो चुका है, बट कुल्लू का जो दशहरे का मेला है वो बहुत टाइम तक रहता है। और ये सारी फैमिली हमारी बैठी है, हम जा रहे हैं ट्रैवलर करवा के। और रोड में कुछ ऐसी धुंध पड़ रखी है जिसमें कि हम बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। स्पीड हमारी नॉर्मल ही है और अब हम पहुँचेंगे कुल्लू में। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि वहाँ के दशहरे का मेला कैसा होता है। सुंदर रास्ता, और उस रास्ते में अगर इंसान जाए तो मजा ही आ जाता है। ओट के मशहूर पकौड़े वाले पंडित जी, और हमारे सभी साथी जो हैं पकौड़े के ऊपर टूट के पड़े हैं। सब खाने में व्यस्त हैं। चाय और पकौड़े के साथ हम अपना आनंद लेते हुए तो ये अंकल जी हैं जिनके ये पकौड़े की दुकान है। तो अंकल, कितने साल पुरानी है ये दुकान आपकी? हमारी है 45 साल पुरानी। 45 साल पुरानी। और आपके मशहूर पकौड़े? अच्छा, पहले पिताजी थे। हाँ जी, पिताजी है नहीं दुनिया में। हाँ, मतलब दूसरी है, तीसरी आ चुकी है, मतलब तीसरी जनरेशन। अच्छा अच्छा, तो पहले तो छोटी सी शॉप होती होगी बाजार में। अच्छा अच्छा, तो ये अंकल और क्या क्या देते हैं अंकल आप? जैसे हमारे पनीर के पकौड़े हैं, पनीर के पकौड़े, स्वीट्स हैं, स्वीट्स हैं, सब फेमस, सब मशहूर हैं आपके। अच्छा, तो ये अंकल जी ने बता दिया है सारे पकौड़े और ये मिठाइयाँ हैं। और यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पकौड़े जो इनके फेमस हैं वो ये सारे पनीर के पकौड़े हैं। थैंक यू अंकल जी। थोड़ी आवाज़ कर यार मोनिका। मोनिका आवाज़ कर। देसी जेल ढाबे तो गाइज फाइनली वी रीच्ड कुल्लू। और यहाँ पे है
दशहरे का मेला, सबसे बड़ा मेला होता है यहाँ पे दशहरे का। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेला अभी मुझे दिख रहा है, हम अभी पहुँचे हैं। सो स्टे ट्यून टू सी कुल्लू के दशहरे का मेला। देखिए आप कितना सुंदर है ये, खुद बना रहे हो आंटी? कितने का दे रहे हो? देखिए खुद नीट, कितने का? 100 का। ये 100 रुपए का आंटी खुद बना रही है, इतनी मेहनत कर रही है आंटी। हंस दो, ऐसे कर दो। बहुत मार्केट होएगी अभी। अच्छा तो सही है। आया इंटरनेशनल माल, इंटरनेशनल माल आया। चाचू ने बोला था मैं तो जैकेट लेनी है, बोले वही तो। ये सारी इनकी मार्केट है। कौन सी रोटी है ये? और ये वाली कोदरा। कौन सी? कोदरा। कोदरा हाँ। ये क्या? ये भी कोदरे का आटा होता है? ये होता है मक्की की तरह। अच्छा बढ़िया बढ़िया। 50 के 2 हैं। 50 के 2 हैं, कहीं नहीं मिलने के, खरीद का खरीद। Thank you.
और यहाँ पे बहुत सारी खाने की चीज़ें भी थी, तो हमें लगी थी भूख और हम आ गए खाने। ये जो है मंडी से आई है दीदी, और इन्होंने अपना स्टॉल लगाया है जहाँ पे ये चाउमीन, मोमोज, कचौरी, नूडल्स ये सब दे रही थी। तो इनकी कचौरी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, तो हमने कचौरी भी खाई। और उसके बाद हमें दिखे सिड्डू, और सिड्डू जो है ये भैया लगा रहे थे, जो कि इन भैया ने बहुत टेस्टी बनाए थे, और इनकी जो चटनी थी सिड्डू की वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो ऐसे ये सिड्डू होते हैं, ये हिमाचल की डिश होती है स्पेशली। तो ये इन्होंने 60 रुपीज़ का एक सिड्डू लगाया था जो हमने खाया, और उसके बाद इसको घी में घी लगा के इसके साथ फिर चटनी के साथ इसको खाते हैं। तो ये भैया ऐसे काट रहे थे, और उसके बाद भैया ने हमें दिया, और हमने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर खाना। भैया पैसे करो, एक की दो, अभी एक मिनट। मम्मी कैसे है? चाची कुन्नू कन्नू कहाँ चली गई है? और ये मेरी कज़न, छोटी छोटी कज़न जो है मेरी, ये लेके आई है लाफिंग, और हमने साथ में लिए हैं मोमोज। और उसके बाद आजकल ये बहुत चल रहा है ये पोटैटो का, जो ये बनाते हैं ऐसे स्प्रिंग्स में, तो ये भी हमने खाया है। ये आंटी जो है वो 60 रुपीज़ का ये दे रही थी, और उसके बाद इसको एयर फ्रायर में तल के बहुत ही ज़्यादा यमी था ये भी। ये भी हमने बहुत मज़े से खाया, और यहीं पर पास में जो है एक आंटी जो है वो लाफिंग बना रही थी, वो भी हमने खाया। और गाइज हमें फिर ये सब चीज़ें दिखी जहाँ पे ये राजमा पड़े थे, और ये राजमा 500 रुपये के किलो, मतलब किलो 500 रुपये के दे रहे थे, और ये किन्नौर के राजमा थे, प्योर राजमा थे। तो और ये जो इंसान था, ये एक आदमी ये यहाँ पे भेज रहा था ये चीज़ें, मुझे लगा कुछ खाने का होगा, बट मैंने जब उससे पूछा तो उसने बोला कि ये तेल है, हम जड़ी बूटियों का तेल बनाते हैं, तो उसने ये तेल बनाया था। ये मेरे सारे बच्चे जो है उठाते हुए, चाची ने भी खूब सारा सामान था, पापा बेचारे लद गए। और ये देखिए, ये मैट लेके जा रहे हैं घर, ये देखिए। अभी इनकी शॉपिंग अभी खत्म नहीं हुई है कि अभी लाड़ा साहब जो है थोड़े से ओके चला हाँ ओली ओली चलते हुए। मैं थक चुकी हूँ, सामान उठा उठा के अलविदा गाइस। तो गाइज फाइनली वी आर गोइंग बैक फ्रॉम हेयर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, और हम लोग जा रहे हैं वापस, बहुत सारी शॉपिंग करके। सब लोगों ने बहुत शॉपिंग करी है, पर मम्मा का मन अभी भी नहीं भरा है। मम्मी अभी भी देखती जा रही है कि मुझे क्या मिल सकता है, कुछ ना कुछ मिल जाए। और अब हम जा रहे हैं वापस, तो सिर्फ लास्ट हम, मैं आपको अब थोड़ी सी शॉप दिखा देती हूँ, और उसके बाद हम कहते हैं टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव फन। और आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।